महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूं। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और लाजवाब जानकारी लेके आया हूं, ऐसी जानकारी जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो ऐसी जानकारी जो एकमात्र हमारा सोशल मीडिया पे ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जो ऐसी जानकारी हम ही लेके आ सकते हैं, बाकी तो कोई लेके आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी लोग क्या है, जो जानकारी हम दे रहे हैं उन्हें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने मतलब एक जो अपना तरीका था काम करने का यूट्यूब पे, और जो हमारा तरीका है वीडियो डालने का और जो वीडियो देने का, वो बदल दिया। सभी को मालूम है, लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप वीडियो तो बनाते हैं, विधि देते हैं, विधान देते हैं, मंत्र नहीं देते, तो हम साधक क्या करें। तो भाई उन लोगों के लिए एक बात बता देता हूं, अगर मैं यहाँ पे मंत्र देने लगूं तो सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी, और तंत्र मतलब ये कि जो तंत्र विद्या है ठीक है वो रहस्य में है और गुप्त है। तो ये शुरू से ही और हमारे पूर्वजों से और हमारे जो पुरातन ऋषि मुनि और सिद्ध साधक हुए थे वो भी इसे गुप्त रखे गए हैं। तो गुप्त चीजें हैं, तो सारी चीजें जब गुप्त हैं पहले से ही, तो उसको गुप्त ही रखा जाएगा। हमें कोई हक नहीं है कि हम इसको उजागर कर मतलब करें। हमने देख लिया काफी समय, हमने भी काफी समय पहले 2018-19 तक हमने मंत्र दिए, विधि दी, विधान दिया, बहुत सारे मंत्र तो विधि विधान हमने दिए, ऐसी सारे कम से कम मेरी 300 से 400 वीडियो ऐसी पड़ी हैं जो 300 से 400 ऐसी वीडियो हैं जो हम मतलब एक पूर्ण विधि विधान दिया है। हमने मंत्र भी दिया है, विधि भी दी है, विधान भी दिया है, सब कुछ हमने दिया है, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको कॉपी किया, कॉपी करने के साथ साथ और उनका मिसयूज किया। तो अब यही कारण है कि हम लोग मतलब ये कि मैंने पूरा डिसाइड किया कि मंत्र नहीं दूंगा। जिसको मंत्र चाहिए फ्री में, किसी को कुछ नहीं चाहिए। आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में लोगों को दो तो वो गालियां देते हैं। तो किसी को अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वो जुड़ा रहे, जिसको अच्छी नहीं लगती है वो नहीं जुड़े, उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम ऐसी ही जानकारी लेके आए हैं। और एक बात बता दूं, जब से हमने सोशल मीडिया पे माँ आशु मेहतरानी को लेके आए, मतलब देखिए आशु मेहतरानी को लेके हम नहीं आए, कहने का मतलब आशु मेहतरानी की जो जानकारी हम लेके आए, आशु मेहतरानी की जानकारी सोशल मीडिया पे सबसे पहले माँ आशु मेहतरानी की जानकारी हम लेके आए, वीडियो हमने बनाई, उनके विषय में पूर्ण जानकारी, आशु मेहतरानी कौन है, आशु मेहतरानी की स्थापना कैसे की जाती है, आशु मेहतरानी की क्या बहने हैं, आशु मेहतरानी चलाई कैसे जाती हैं, आशु मेहतरानी को सिद्ध कैसे किया जाता है, और तरह तरह की जानकारी, आशु मेहतरानी किस समाज की कुलदेवी हैं। और हमें बहुत सारी सराहना मिली और मतलब एक बहुत सारा प्यार मिला हमें सभी लोगों का कि गुरुजी आप मतलब एक आशु मेहतरानी के विषय में जानकारी लेके आए और आपकी जानकारी सटीक है। तो ये सारी जानकारी मुझे विरासत में गुरु गद्दी से प्राप्त हुई, और सारी जो जानकारी क्योंकि विरासत में मिली और गुरु गद्दी से मिली तो सटीक तो होनी होनी थी, यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा तो है नहीं, सभी को मालूम है। तो अभी क्या हो रहा है, आशु मेहतरानी के नाम पे लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं अपने चैनल पे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, भाई अगर तेरे पास ज्ञान है तब वीडियो डालना, गांड में घुस जाएगी, कभी तंत्र सी करती फिरे। जब ज्ञान नहीं है तो मत डाल, लोगों को क्यों चूतिया बना दे हो तुम लोग यार। पूर्ण ज्ञान है, आशु मेहतरानी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, खेल मत समझ, समझो इसको। अगर इसका दुष्ट परिणाम आशु मेहतरानी अगर बिगड़ जाए ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं, और बचाने वाला पैदा नहीं है। जिसके ऊपर अगर ये बिगड़ जाए, दुष्ट हो जाए, उसका जीवन बर्बाद करके रख देंगे, घर के घर खराब हो जाते हैं इनकी क्रिया से और इनके रूठने से। ये अपने भक्तों को भी नहीं बख्शती हैं, ठीक है, अपने भक्तों को, कौन से भक्तों को, जो जिनकी ये कुलदेवी हैं उनको भी बो माल लगाती हैं कि तोड़ के फेंक देती हैं। जब तक समझ में आता है व्यक्ति रोड पे आ जाता है। आशु मेहतरानी वो शक्ति हैं, तो हल्के में ना लो, और भाई पूर्ण जानकारी दो, चूतिया मत बनाओ लोगों को। अगर जानकारी है एक्चुअल में, मंत्र है आपके पास, विधि है, विधान है, जैसे कि
है आपके पास तो दीजिए, मना कुछ नहीं है, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके पास एक्चुअल में और इन अल्टीमेट विधान है तभी उसको मतलब दे हो यार। लोगों का समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, जो दिन जा रहा है वो वापिस थोड़ी जा रहा है, लाइफ में से कम ही हो रहा है। एक तो वैसी साला लाइफ में मतलब छोटी सी लाइफ है और इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। तो चलिए बात करते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी आंशु मेहतानी को हम लेके आए और आंशु मतलब आंशु मेहतानी की जानकारी हम लेके आए, माँ आंशु देवी मतलब देवी आंशु मेहतानी की, तो माँ आंशु मेहतानी की साधना के साथ फिर हमने साधना दी कलिया मेहतानी, फिर साधना दी हमने चाल की मेहतानी, और आज जो मैं आपको साधना देने जा रहा हूँ वो भी आंशु मेहतानी की ही बहन है, और ये बहुत ही प्रचंड है, ये भी आंशु मेहतानी की ही वादी कार्य करती हैं और भी उग्र तरीके से। एक बार को आंशु मेहतानी मतलब एक अपने साधकों पे और अपने भक्तों पे इतनी जल्दी दुष्ट ना हो, लेकिन ये जो चंडी मेहतानी है ना बड़ी जल्दी दुष्ट होती हैं। ये है चंडी मेहतानी आंशु मेहतानी की जो बहन है, और इतनी तीव्र और तीक्ष्ण है कि इनको भी तीनों लोकों में कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो इंद्र का अखाड़ा हो, पाताल हो, हर जगह इनका या देवलोक हो, हर जगह ये जा सकती है। यहां तक कि इनको इजाजत है कि ये कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के स्थान पे, जहां भगवान शिव का स्थान यानी जहां भगवान शिव और माँ पार्वती विराजते हैं वहां तक जा सकती हैं, जहां विष्णु जी विराजते हैं, जहां ब्रह्मा जी विराजते हैं वहां तक भी ये जा सकती हैं, वहां तक गमन कर सकती हैं। इनको फुल छूट है, इनके सामने कोई नहीं टिकता है, यानी टिकने का मतलब ये नहीं है कि भगवान शिव जी, लेकिन ये जा सकती हैं वहां पे भी कार्य कर सकती हैं। सभी को मालूम है आंशु मेहतानी जो होती हैं, देखिए भगवान शिव तो शिव है, वो सदा शिव है, और लेकिन ये जा सकती हैं, जैसे कि हमारे नारद जी हैं हर जगह जा सकते हैं, वैसे ये भी जा सकती हैं, इंद्र अखाड़े में भी जाके झड़ाई लगा देती हैं, इंद्र के अखाड़े में इंद्रासन, इसका जो इंद्र जी का मतलब एक सिंहासन है इंद्रासन, उसको भी हिला देती हैं, फटकार लगाती हैं, ये भी बहुत प्रचंड देवी हैं चंडी मेहतानी, इनका नाम ही चंडी है, बहुत उग्र हैं। इनके द्वारा किया गया कार्य केवल आंशु माता ही काट सकती है, बाकी दूसरी देवी देवता कोई भी सात्विक देवी या सात्विक देवता या मुस्लिम तंत्र की तो धज्जी उड़ा देती है, बक्कल उतार के फेंक देती है, मात्र मुस्लिम तंत्र तो अगर कोई साधक है आंशु मेहतानी का या चालकी मेहतानी का या चंडी मेहतानी का कोई साधक है और मुस्लिम तंत्र है किसी पे पीरवाणी मतलब विद्या है किसी पे की हुई मुस्लिम तंत्र पीरवाणी उस पे चाहे मतलब कोई जिन लगा हो जिन्नात खबीस ये सारी चीजें होती हैं पीरवाणी या कोई पीर परेशान कर रहा हो तो अगर उसे पता चल जाए कि जो सामने वाला साधक है वो चंडी मेहतानी आंशु मेहतानी का साधक है तो 1 किलोमीटर दूर से छोड़ के चला जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। आंशु मेहतानी के और चंडी के साधक को चंडी मेहतानी यानी आंशु मेहतानी की ही ये सब मतलब ये बहने हैं, इनके साधक को मुस्लिम तंत्र हटाने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं से हट जाता है नाम से, कितने ही बड़ा पीर हो पैगंबर हो मिनटों में हट जाते हैं। सभी को मालूम है आंशु मेहतानी और ये जो है वो वाल्मीकि समाज की कुल देवी हैं, और ये इनका जो भक्षण करती हैं वो सुअर का बच्चा लेती हैं, सुअर का भक्षण करती हैं, ठीक है। तो इनके सामने तो मुस्लिम पीरवाणी तंत्र वैसे भी नहीं टिकेगा, कारण ये है। और देवी देवता इसलिए नहीं आते क्योंकि देवी देवता गंदगी से और मैली चीजों से दूर मतलब भागते हैं, देवी देवता साफ शुद्ध और मतलब एक पवित्र होते हैं, और ये सारी चीजें पवित्रता भंग कर देती हैं। अगर इनके सामने कोई देवी या देवता आता है तो पवित्रता भंग कर देती हैं, मलमूत्र की वर्षा कर देती हैं, फटकार लगाती हैं झाड़ू से, इसी के चलते देवी देवता इनको नहीं रोक पाते और ना ही आने आते, इतनी पावरफुल है। जैसे कि एक कच्चा मसान होता है, कहते हैं कि कच्चा मसान जो होता है भगवान कच्चा कलवा, ठीक है, कच्चा कलवा जो होता है वो बच्चे का स्वरूप होता है, बच्चा कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है, ना मंदिर ना मस्जिद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक उसी प्रकार वो बच्चा मसान है, लेकिन ये आंशु मेहतानी ये भी कहीं भी आ जा सकती हैं, इनको भी रोक नहीं सकता कोई, और इतनी तीव्र चलती हैं कि आप सब सोच नहीं सकते, आकलन नहीं कर सकते
कि इनकी गति क्या है, ये मन की गति पे कार्य करती हैं। और चंडी मैतानी और भी प्रचंड है, बहुत प्रचंड, इतनी प्रचंड कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता कि कितनी प्रचंड है। इनके द्वारा वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन, गोद भराई वगैरह, यानी कि सारे षटकर्म किए जा सकते हैं। और चंडी मैतरानी से गोद भराई की जाती है, माँ चंडी से और कलिया मैतरानी से, इनसे सबसे गोद भराई की जाती है। चंडी मैतरानी की सवारी भी आती है, ठीक है, और सवारी भी आती है और सिद्ध होती है। प्रत्यक्षीकरण की साधना है, प्रत्यक्षीकरण होने के साथ साथ वचन देती है, वचन होने के बाद साधक वो सारे कार्य कर सकता है जो उसको वो सोच भी नहीं सकता। एक बार अगर कोई भी साधक चंडी मैतरानी की साधना कर ले तो उसके जीवन में वो परिवर्तन आएगा, रातों रात कहां से कहां पहुंचा देगी देवी ये भी नहीं बता सकते आपको, मतलब सोच भी नहीं सकते आप कि कहां से कहां पहुंचा देंगी। इनकी साधना करने से कोई दुष्ट परिणाम नहीं है, ना ही आपका धन का आगमन रुकेगा। और एक बात कि अगर कोई साधक इनकी साधना कर लेता है तो संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि आपके ऊपर तंत्र कर दे, क्योंकि माँ आशु मेहतानी के साधक पे और चंडी ये एक ही श्रेणी की है, सब बहने बहने हैं। अगर चंडी मेहतानी, आशु मेहतानी की साधक कोई साधक साधना करता है और उनके ऊपर तंत्र किया जाता है तो तंत्र नहीं कर सकता उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा करती हैं आशु मेहतानी, एनी टाइम 24 घंटे उनके मतलब ये सुरक्षा और उन पर कृपा बनाए रखती हैं, अपने भक्त का कभी बुरा नहीं होने देती हैं। तो साधना जो भी करे ऐसी साधना करो, जरूरी थोड़ी है 10 साधना भूत प्रेत की साधना कर ली या ये कर लो वो कर लो, जिन जिन्नाथ की कर ली, 50 साधना कर ली, सर पे उठा के रख ली। अरे एक साधना कर लो उसी से जीवन पार हो जाएगा। इनके माध्यम से आप किसी की निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं, भूत भविष्य बता सकते हैं, मतलब किसी की निगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, जिन जिन्नाथ, साखनी डाकनी, चुड़ैल और आपका मसान, कच्चा पक्का, जो भी निगेटिव एनर्जी है, पिशाच, पिशाचनी या राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, जो भी निगेटिव एनर्जी है, इनको बड़े ही आराम से आंशु मेहता मतलब चंडी मेहतानी के माध्यम से हटाया जा सकता है। अभी मैं क्या, वीडियो बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाए वीडियो को पूरा देखना, विधान बताने जा रहा हूँ, विधान सुन लीजिएगा ध्यान से। ये साधना आप किसी भी शनिवार या रविवार से शुरू कर सकते हैं, रात्रि 9 या 10 बजे के बाद या 8 बजे के बाद। ये साधना आप अपने घर पे कर सकते हैं, शमशान की व्यवस्था हो जाए ज्यादा बेहतर है, घर पे करें एकांत कमरे में। और एक बात, जो साधक माँ चंडी मैतरानी की साधना करेगा, जिस कक्ष में आप साधना करेंगे उसमें महिला का जाना वर्जित रहेगा। उस रूम में, जिस रूम में आप साधना करेंगे उस रूम में महिला का जाना वर्जित रहेगा जब तक आप साधना करेंगे। ध्यान से सुनना, अब मैं विधि बता रहा हूं। दिन शनिवार या रविवार, दिशा दक्षिण, आसन कुशाका या काला, वस्त्र काले, ठीक है, रात्रि 8 बजे के बाद। साबर मंत्र साधना है, प्रतिदिन 3 माला जाप करना है, ज्यादा नहीं 3 माला जाप करना है। दीपक सरसों के तेल का, आसन कुशाका, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र काले। भोग में आपको 5 प्रकार की मिठाई, देसी दारू, 1 मीठा पान, 16 सिंगार, नोट कर लीजिए, देसी दारू, 5 प्रकार की मिठाई, 1 मीठा पान, 16 सिंगार, 1 चमेली या मोगरे का इत्र की शीशी, 1 लोटा जल, 7 झंडी काले रंग की, 1 नींबू बली प्रतिदिन, लौंग का जोड़ा, बतासा और कपूर प्रतिदिन आपको ये भोग देना है। दारू डेली रखनी है भोग में। लास्ट वाले दिन आपको इनको केवल घेटा घेटा चलता है, यानी सुअर का बच्चा चलेगा इनको, छोटे से छोटा, 4-5 दिन का। इनको केवल लास्ट वाले दिन, जब आपका साधना का 21वां दिन होगा तो ये सामने आएंगी। अब इनके अनुभव बता देता हूँ शुरू से। साधना का पहले दिन से ही आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे, किसी के होने का एहसास होगा, हंसने की आवाज आएगी, पायल की आवाज आएगी, आपके खिड़की दरवाजे खटखटाने शुरू हो जाएंगे, आपकी छत से खटखट या किसी चीज की आवाज आएगी। जब ये इनका आगमन होता है, जब आती हैं ये, तो जब आती हैं तो थोड़ी गंध टाइप की मतलब दुर्गंध टाइप की आएगी। अब वो किस टाइप की आ सकती है, अजीब वो गरीब हो सकती है,
मलमूत्र की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन जब ये आएंगी तो सौम्य रूप में आएंगी। ठीक है, इनकी जो उम्र है, इनकी उम्र 45 से 55 साल की एज की है चंडिका मेहतरानी, और सौम्य रूप में आती हैं। ठीक है, आशु मेहतरानी का प्रचंड रूप में, लेकिन ये भी प्रचंड देवी, लेकिन सौम्य रूप में आएंगी। साधक को दूसरे तीसरे दिन से ही तरह तरह की अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं, तरह तरह का ज्ञान देने लगती हैं, तरह तरह से इनको गाइड करने लगती हैं, और तरह तरह की डरावने अनुभव होते हैं। तो साधक को क्या चाहिए, डरना नहीं है, भयभीत ना हो। कोई शक्ति मान नहीं देती है, शक्तियां परीक्षा लेती हैं। बस दिमाग में यह डाल लें कि मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है, साधना काल में आपकी साधना खंडित करने की कोशिश होगी, घर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि आप उसकी वजह से साधना छोड़ दें। तो एक बार साधना, कोई भी साधक है, एक बार साधना लगा दी तो उसको पूरी होने तक, जब तक संपूर्ण ना हो जाए, जब तक साधना नहीं रोकनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चंडी मेहतरानी है, बहुत ही प्रचंड देवी है, और चंडी मेहतरानी के साथ साथ इनकी एक और बहन है, जिनके बारे में बाद में जानकारी दूंगा। एक बहन है इनकी, ये सात बहनें हैं, तो सातों बहनें के बारे में मैं जानकारी लेके आऊंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं, इतनी प्रचंड, लाजवाब। इनके माध्यम से मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन कोई भी क्रिया की जा सकती है। किसी का भूत भविष्य सटीक बताएंगी, बिल्कुल। किसी की निगेटिव एनर्जी हटानी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हटाती हैं। तो 10 साधना ना करके एक साधना कर लीजिए, एक साधना में ही बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको साधना करनी है, अभी ये लास्ट वाले दिन आती हैं, लास्ट वाले दिन आपको आ तो जाएंगी, ये मतलब एक आपको तीसरे चौथे दिन से ही अनुभव शुरू हो जाएंगे सपने के माध्यम से। लेकिन ये आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपके सामने खड़े होके आपसे पूछे नहीं, आपसे सवाल नहीं करें कि तुम, आपने क्यों बुलाया, क्यों आह्वान किया मेरा। जब ये आए तो दंडवत इनको प्रणाम करें, प्रणाम करने के बाद अपने इनसे वचन ले लें, वचन लेने के बाद ये हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। कोई भी निगेटिव एनर्जी किसी की रिमूव करनी है, आप गद्दी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और रातों रात दिन, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी, फिर देखिए कहाँ से कहाँ साधक को पहुँचाती हैं। लेकिन वो भी वही साधक पहुँचेगा वहाँ जो एक्चुअल में ओरिजिनल होगा, जो फर्जी काम नहीं करेगा, सामाजिक हित में काम करेगा, गलत कार्य नहीं करेगा। फिर वो लोग शक्तियाँ जन कल्याण के लिए बनी है, निस्वार्थ निभाव से, मतलब निस्वार्थ का मतलब ये नहीं है कि मतलब गलत काम मत कीजिए, फीस लेना गलत बात नहीं है, गलत काम करना गलत बात है। अरे भाई, फीस नहीं लोगे तो खाओगे क्या, पैसा नहीं लोगे तो खाओगे क्या, लीजिए, काम करके दीजिए। हाँ, फीस लेके काम नहीं किया वो गलत बात है, वो गलत बात है, फीस ले दें तो काम कीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। हमें बताइए कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट साधना, गुप्त साधना, रहस्यमय साधना हम और लेके आएंगे आप लोगों के लिए। मेहनत, ये सारी चीजें ऐसे नहीं मिल जाती हैं, सोच रहे होंगे हलवा है कुछ लोग। तो जिसको साधना करनी है, हो सकता है आने वाले आगामी शिविर में मैं चंडी की साधना कराऊंगा, चंडी मेहतरानी की, आशु मेहतरानी की तो करा ही मैंने, हो सकता है आगामी शिविर में मां चंडी मेहतरानी की साधना कराऊंगा, जो कि अगर जब तक कोरोना खत्म हो गया COVID-19 तो साल देना बतातु में फिर शिविर का आरंभ होगा हमारा, नए तरीके के साथ और नई साधना के साथ। तो जिसको ये साधना करनी है तो शिविर में, तो वो आगे की बात है, अगर किसी को साधना करनी है तो हमसे संपर्क कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, साधना दे दी जाएगी। यहाँ पे मंत्र नहीं दे रहा हूँ, साधना दे रहा हूँ, विधि दे रहा हूँ, विधान दे रहा हूँ, मंत्र नहीं दूंगा, सभी साधनाओं की बात ही। ठीक है, किसी को मंत्र चाहिए, जो भी चाहिए, पूर्ण जानकारी चाहिए, तो संस्थान के नंबर पर कॉल कीजिए, नंबर हमारा 9639857509, स्क्रीन पे प्लेस होता मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिसको साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है, पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। साधना का जो शुल्क है वो आपको देना होगा, साधना की जो फीस है वो आपको पे करनी होगी और साधना दे दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, जय श्री महाकाल, आदेश।